Congratulations. Why? I love you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर से आप सब लोगों के लिए एक न्यू रील्स वीडियो लेकर के आए हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा कौन सा, ये इंस्टाग्राम पर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो चलिए जानते हैं इस पर वीडियो कैसे बनाना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से वीटा ऐप डाउनलोड कर लेना है और ये ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। फिर वहाँ से वीडियोज़ में चले जाना है और यहाँ से अपना खुद का एक वीडियो आपको सेलेक्ट करना है। तो हम एक खुद का वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं मेरा किस टाइप का वीडियोज़ है। आप किसी भी तरह से वीडियो शूट कर सकते हैं, चाहे तो आप घूमते हुए कर सकते हैं, स्लो मोशन में चलते हुए कर सकते हैं। तो हमने ये वीडियो शूट किया, ये देखिए कुछ इस तरह का वीडियोज़ है। हम इसको शूट करके स्लो मोशन में कर दिए हैं थोड़ा वीडियोज़ को, आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब हम यहाँ से, अगर आपको मन है तो यहाँ से एडजस्ट में जा करके आप यहाँ से वीडियोज़ के ब्राइटनेस को, कॉन्टेस्ट को हाई लो कर सकते हैं अपने वीडियोज़ के हिसाब से। तो हमने वो कर लिया है पहले ही अपने वीडियोज़ में। हम बस आपको दिखा दे रहे हैं आपको कैसे करना है अपने वीडियोस को। कुछ इस तरह से आपको जैसे भी करना है, आप हल्का कम ज़्यादा करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का रखना है। आप करके ये यहाँ से डन कर लीजिएगा। हमारे वीडियो में पहले से किया हुआ है तो हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। हम आपको दिखाने के लिए बस यहाँ पे आए थे, तो ये हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले वीडियोज़ के फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो रेशियो हमारा होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। 9:16 का हमारा रेशियो होता है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आ करके 9:16 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। ये हो चुका है। अब यहाँ से हम इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से इफेक्ट में वापस से टैप करेंगे और यहाँ पे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नेचर करके आएगा। नेचर में चले जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आप देख सकते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो किया हम आपको वो बता दे रहे हैं। हम यहाँ पे ये वाला किए हैं, ये फ्लावर वाला है, पेटल्स करके, पेटल्स 4 करके, पेटल्स पर डन कर देना है डाल करके। अब यहाँ से इस वीडियोज़ पर, पंखुड़ी वाले वीडियोज़ पर टैप करना है पेटल्स पर और यहाँ इन वीडियो तक डाल देना पूरा इसको। ये हो चुका है हमारा। फिर से इफेक्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे फिर से हम नेचर में चले जाएंगे। आप यहाँ पे 3 इफेक्ट एक बार में यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको करना है तो आप पहले 3 इफेक्ट यूज़ करके फिर आप वीडियो सेव करके फिर आगे आप इफेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा आप एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ से अब हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई वाले वीडियोज़ यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हमने ये बटरफ्लाई 1 वाला यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी बटरफ्लाई यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 3-4 बटरफ्लाई वाले हैं तो हमने ये 1 करके वीडियोज़ पे फिर से टैप करके उसको एंड तक लगा दिया, वीडियो एंड तक डाल दिया। फिर से हम इफेक्ट में चले जाएंगे, हम यहाँ पे 3 इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फिर से इफेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में जा करके हम वापस से फिर चले जाएंगे यहाँ पे उसी नेचर में चले जाएंगे और नेचर में जा करके यहाँ पे फिर से गैलेक्सी करके एक आ रहा है इफेक्ट, उसमें चले जाएंगे। यहाँ पे नेचर में जाने के बाद आपको स्क्रॉल कीजिएगा तो गैलेक्सी करके आएगा, तो वहाँ पे आपको डाउनलोड नहीं होगा। पहले आपको डाउनलोड कर लेना है सारे इफेक्ट को, फिर यहाँ से गैलेक्सी में चले जाना और यहाँ से डन कर देना है, फिर इसको भी इन वीडियो तक लगा देना। ये हो चुका है। अब एक हमने और इफेक्ट यूज़ किया लाइट करके, उस पहले वीडियोज़ को हमने सेव किया, 3 इफेक्ट यूज़ हो चुके हैं। तो वीडियोज़ को सेव करके फिर से आपको इसमें वीडियोज़ ये वापस से लेना है और इसी वीडियोज़ में आपको फिर से लाइट में जा करके और यहाँ से लाइट 1 करके एक इफेक्ट है और एक लाइट 4 करके, तो हमने लाइट 4 वाला यूज़ किया। यहाँ पे बहुत सारे लाइट है पर हमने लाइट 4 वाला इफेक्ट यूज़ किया और इसको भी वीडियो के एंड तक लगा दिया है, यहाँ पूरे वीडियोज़ में लगा दिया। फिर इसको ये देख सकते हैं। अब हम आपको स्टार्टिंग से दिखा देते हैं हमारा वीडियोज़ कैसा बना है। तो ये देखिए, हम आपको एक बार बैक करके अच्छे से दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा वीडियोस बन चुका है। अब हम आपको आगे बताते हैं इस वीडियोस में क्या करना है। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे टैप करके हम इसको सेव कर लेंगे। तो हमने इसमें 4 इफेक्ट यूज़ किया है, तो हमने 3 इफेक्ट यूज़ करने के बाद चौथे इफेक्ट यूज़ करने के लिए पहले वीडियोज़ को सेव किया, उसके बाद फिर यही वीडियोज़ लेके इसमें चौथे इफेक्ट को ऐड किया। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें एक्सपोर्ट पे टैप करके इसको सेव कर लिया। अब हम यहाँ से VN ऐप को ओपन करेंगे। VN ऐप भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो हमने VN ऐप ओपन कर लिया। अब यहाँ से हम ऐड को स्किप कर देंगे, प्लस के आइकन पर टैप करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट में जाके हम एक लिरिक्स वाला वीडियोज़ है उसको ले लेंगे, उसको ले लेते हैं और ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए हमारा लिरिक्स वाला वीडियो आ चुका है। इसके ओरिजिनल रेशियो को चेंज करके हम 9:16 कर लेंगे। ये आ चुका है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का वीडियोज़ है। तो यहाँ से हमने लिरिक्स वाले पार्ट को रख के बाकी पार्ट को स्प्लिट कर दिया है। आपको स्प्लिट किया हुआ पार्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये म्यूज़िक वगैरह सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके आराम से ले सकते हैं। अब हम इसको स्प्लिट करके इस वीडियो को डिलीट कर दिए, लास्ट में जो ब्लैक वाला है इसको भी डिलीट कर दिया। और ये देखिए अब यहाँ से म्यूज़िक को म्यूट कर देंगे। अब यहाँ म्यूज़िक यहाँ पे सबसे पहले प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, वीडियोज़ फोटोज़ में जाएंगे और यहाँ से अपना खुद का वीडियो जो भी हमने वीटा ऐप से सेव किया था उस वीडियोज़ को ले लेंगे और यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ये आ चुका है हमारा वीडियोज़। अब हम इसमें म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक वाले पे टैप करेंगे, ऐड टू म्यूज़िक पे।
टैप टू ऐड म्यूजिक पे, इस पर क्लिक करेंगे, म्यूजिक में जाएंगे, यहाँ प्लस के आइकन पे टैप करेंगे और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो में चले जाएंगे। यहाँ पे हमने एक म्यूजिक वाला वीडियो रखा है, उसको हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अब यहाँ से म्यूजिक को चूज कर लेते हैं, तो यहाँ से म्यूजिक चूज कर लिए, ये आ चुका है, यहाँ से इसको डन कर लेना है। ये देखिए हमारा म्यूजिक आ चुका है इस वीडियोज में, आप देख सकते हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है, पहले एक बार देख लेते हैं हमारे वीडियोज म्यूजिक कहाँ तक जा रहे हैं हमारे वीडियोज में। तो ये देखिए ये हमारे वीडियोस में म्यूजिक आ चुके हैं और ये म्यूजिक हमारे वीडियोस के आधे ही हैं, तो हम यहाँ से इसको स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे अपने वीडियोस को। तो हम सबसे पहले इसको स्प्लिट कर देते हैं यहाँ से और इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है म्यूजिक से। तो हम अपने इस वीडियो को डिलीट कर दिए, ये हो चुका है हमारा इतना कम्प्लीट। अब हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है आपको। अब जहाँ से आपका खुद का वीडियो शुरू हो रहा है आपको वहाँ पर चले जाना है यहाँ पर, और यहाँ से FX में जाना है, जहाँ खुद का वीडियो शुरू हो रहा है वहाँ पर जाके FX में चले जाना है। और यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा जूम आउट करके आएगा, तो हम वहाँ पे जूम आउट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा जूम आउट, और ये ग्रीन वाले के लेंथ को पूरा जहाँ तक जाएगा फुल कर देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। ये हमारा ऐड हो चुका है FX। अब यहाँ प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, ये जो हमारा प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर हम सबसे पहले टैप कर लेते हैं और यहाँ से हम वापस से यहाँ पर आएंगे जूम में आएंगे। तो यहाँ पर हम जूम में जा करके और इसके ड्यूरेशन को हम 98 सेकेंड कर लेंगे, 98 सेकंड करके यहाँ से डन कर देना है आपको। आप चाहे तो ज़्यादा कम भी रख सकते हैं अपने वीडियोस के हिसाब से, हमने 98 सेकंड रखा और यहाँ से डन कर दिया है। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको स्टार्टिंग से एक बार प्ले करके दिखा देते हैं हमारा वीडियोस कैसा बना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा वीडियोस बन चुका है। इस वीडियोस में हमने जो भी मटेरियल यूज़ किया आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वीडियोस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ ऊपर पे टैप करके, एक्सपोर्ट पे टैप करके हम यहाँ पे सेव कर लेंगे इस वीडियोस को। हमारा वीडियोस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।